और पता नहीं पाला पड़ा क्या पड़ा भाई ने, उसने निकाला ना, इसमें बर्फ पड़ी हुई थी ऊपर से, ऐसे यहाँ पे रखा फट गया पूरा का पूरा, वो देखो पूरा टूट गया क्रैश कार्ड यहाँ से, कई पाला पड़ रखा था कुछ उसमें खतरनाक वाला। लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थापना वर्ष 1888, 200 साल पुराना है और प्राचीन मंदिर है भाई लक्ष्मी नारायण जी का हर्षिल के अंदर, ये देखो भाई। भाई ये देखो मॉर्निंग में ना हम 7 बजे उठ गए थे और ये कुछ मॉर्निंग का व्यू है भाई, और भाई लड़के अपने सारे तैयार हो चुके हैं। अबे लड़को रेडी हो? बचा हुआ है क्या? सब कुछ पैक हो चुका है भाई, बस ये कुछ छोटा मोटा सामान बचा हुआ है, बाकी सब तीनों बैग पैक हो चुके हैं। और बाकी भाई बाहर ना धूप आई है 3 दिन बाद, ये देखो, जो कि भाई 3 दिन बाद ना धूप लेके भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो भाई बाकी ना हम 4 दिन पहले आए थे हर्षिल, और एक दिन उस दिन हम रुके धराली जो कि हर्षिल 5 किलोमीटर आगे है, एंड भाई नेक्स्ट टाइम गए थे गंगोत्री, एंड थर्ड डे भाई मतलब परसों आए थे इधर हर्षिल में, हमने यहाँ रूम लिया परसों और कल का हमने यहाँ स्टे करा, बाकी तो भाई कल गई नहीं, कल हम लोकल ही घूमे हर्षिल में, और बाकी आज ना भाई 3 दिन बाद धूप निकली है, और बस आज का प्लान ये है कि हम निकल रहे हैं वापस देहरादून, क्योंकि अपने को 4 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, आज 4th डे होगा अपना। बाकी लड़के भाई रेडी हो चुके हैं यहाँ पे, भाई भाई का भी चैनल है यूट्यूब चैनल में दून ब्रदर्स करके, तो भाई भाई को भी यार थोड़ा सपोर्ट करना, बाकी भाई मेहनत कर रहा है देखो भाई फुल ड्रेसअप के साथ, सब्सक्राइब कर देना, बस ये थोड़ा गिरता नहीं है भाई, काफ़ी अच्छा राइडर है यार। कल जो भाई परसों हम गए थे ना गंगोत्री, क्या ही राइड करी इतनी प्यारी, उसकी भाई की फर्स्ट राइड थी, एक दो बार ही गिरा होगा मुश्किल से ना, कि 3 बार? 2 बार, तुम 3 बार गिरे, मैं 2 बार गिरा। अच्छा और कुछ था? हाँ तो भाई आशीष जा चुका है नीचे, बाकी ना विनीत ने भी बैग पैक कर लिया पूरा, अब मेरा भाई एक बैग ही रहा, बाकी रेनकोट है भाई दोनों साथ में बांध के मतलब बांध दूंगा, बाकी अपना ऐसा रूम था भाई थोड़ी हालत ख़राब कर चुके हैं अभी हम लोग, रूम ना भाई कितने का पड़ा? 3000 रुपये का एक दिन का, 1 नाइट का 1000 रुपये, जिसमें भाई आपको गीज़र मिलेगा, बाकी तो ठीक ही है भाई पानी आता है प्रॉपर। बाकी हर्षिल में क्या दिक्कत थी कि आपको रूम मिलेगा लेकिन ऐसा पानी जम जाएगा, क्योंकि भाई ठंड इतनी ज़्यादा है और लोगों के ना टैंक ऊपर कम लगाई कि जिस वजह से पानी वेस्टेज में ना करे, यहाँ पे क्या आंटी ने कहा था कि पानी तो आ जाएगा लेकिन आपको रात भर ना पानी खोल के रखना पड़ेगा ताकि पानी जमे ना। बाकी यहाँ पे गीज़र भी है ठीक है 1000 रुपये में पर डे के हिसाब से, हम 2 दिन यहाँ पे रुके हैं। बाकी अपना क्या है रूम ना एकदम सेंटर पे है, देखो हर्षिल के ये पूरा सेंटर है और ज़्यादा बड़ा नहीं है हर्षिल, दूर पर ऐसे फैला हुआ है, लेकिन ना जो मेन मार्केट है यही है, छोटी सी मार्केट है, तो जहाँ 5-6 दुकानें होंगी और होटल वगैरह है भाई, खाने पीने का सही है, बाकी आगे पूरा आर्मी का एरिया है, पीछे भी आर्मी का एरिया है। बाकी भी आशीष जा चुका है और हम दो बस निकल रहे हैं अभी, चले विनीत जी, गुड मॉर्निंग। बाकी ना भाई अपना ऊपर वाला रूम था जो बीच का है, और भाई अब निकल रहे हैं यहाँ से, बस ये था जहाँ अपने बाइक रात में पार्क कर रखी थी, काफ़ी ऐसा एरिया है कि जहाँ पार्किंग का काफ़ी अच्छा स्पेस है भाई, अपनी 3 बाइक आगे की लगी, भाई की एक शेयर भाई की बाइक है, देखो भाई यहाँ पैकिंग शुरू हो चुकी है भाई, अभी ना एक दिक्कत होगी बहुत भयंकर वाली, ये देखो इन्हें रात में हमने इसमें लगा छोड़ दिया था, और पता नहीं पाला पड़ा क्या पड़ा भाई ने, उसने निकाला ना बर्फ पड़ी हुई थी ऊपर से, ऐसे यहाँ पे रखा, और कैसा बताइए आशीष ब्लास्ट कहते हैं ब्लास्ट, ये देखो भाई फट गया पूरा का पूरा, देखो पूरा फट गया भाई, नुकसान है ये भी। एंड भाई इसकी बाइक में ना एक और दिक्कत हुई थी कल जब हम आए थे ना परसों, जब हम गंगोत्री गए थे भाई, बाइक तो गिरी थी यार हमने ना, लेकिन कल सुबह ध्यान दिया वो देखो पूरा टूट गया क्रैश कार्ड यहाँ से, अभी टिका बस में एक ही है, एक ही वापसी ये वेल्ड हो जाएगा और ये देर दूँ ताकि ये काम होगा भाई, बाकी तो सब कुछ ठीक है, एक ये ब्लास्ट हो गया इसका रेन कवर टैंक बैग का, एंड दूसरा भाई क्रैश गार्ड क्रैश हो गया।
कैसा लग रहा आपको? यार बहुत बुरा लग रहा है, जब कल मैंने सुना कि मेरा क्रैश कार्ड टूट गया, भाई ने बताया मेरे को, आशीष ने कॉल करके, तेरा वो टूट गया, मैं रूम पे था तो उस समय मतलब बहुत ज्यादा बुरा लगा कि यार वो टूट गया, मैं एकदम से नीचे आया देखने के लिए। अभी मतलब अभी कैसा लगा इसमें? अभी भी बहुत शॉकिंग लगा मेरे को, देखते ही सीधा किया फट चुका है भाई। जब हमने तो फोन करा सामने रूम से ना, 5 मिनट में नीचे आ गया। बाकी तो भाई अपना एक ही इसमें सामान लगे जोड़ा लगा रहे हैं और फिर निकलते हैं। यहाँ पे चाय बोली देखो, थोड़ा सारा कुछ हमने लगेज पैक कर दिया अपना, लगा दिया सब लोगों ने, कई पाला पड़ रखा था उसमें खतरनाक वाला, ये पूरा पाला पड़ा है भाई। थोड़ा ना से हम करते हैं कोल्ड स्टार्ट। तो भाई अभी ना हमने छोटा सा ब्रेक लिया था, जो कि अभी सुबह से हमने चाय पिए वहाँ पे, और भाई हल्का सा आ गया है वहाँ से, मतलब मान लो 300-400 मीटर आगे होगा। और यहाँ पे ना जिस जगह हम जा रहे हैं, यहाँ पे आगे भी एक मंदिर है जो कि लक्ष्मी नारायण जी का है और 200 साल पुराना है। तो बस बताया यहाँ पे लोकल लगे तो हम देखने जा रहे हैं। बाकी भाई देख लो, हम ना कल परसों तो यहाँ पे आए नहीं है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है भाई देखने के लायक। कितना प्यारा लग रहा है। भाई देखो अभी ना हमें वहाँ से लोकल ने, हमें ना वहाँ पे लोकल में कहा था कि बाइक लेके चल जाओ, बाइक चली जाएगी यहाँ पे। और देखो कैसा सीन है यहाँ पे, पत्थर ही पत्थर है। हमारी तो फिर भी आ जाती है, एक तो आराम से आती है, आराम से आती, लेकिन भाई इसकी डोमिनार तो मुश्किल से आती। देखो भाई यहाँ के लोकल डॉग प्यारा पपी मिला है हमें, बोटिया। मंदिर का है, मंदिर 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 का है, आ जा चल दिखा मंदिर का रास्ता, हमें दिखा दिखा रास्ता, दिखा हमें रास्ता, दिखा रहा भाई हमें रास्ता। तो भाई रास्ते में देखो हमको ना यहाँ पे लगा कि ये पूरा पानी ऐसी पानी पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा फ्रोजन है भाई। वो कहते हैं ना, वो करते हैं ना वो आइस स्केटिंग, ये करेगा यहाँ पे करना आगे जाना फोटो लीजिए। पूरा का पूरा जमा भाई, ये देखो वो भाई साहब निकल गया सारा पानी बाहर। भाई रात में ना जब हम 10 बजे तक बाहर बैठे हुए थे, उस टाइम पे भाई -8-9 पे था, और नाइट में भाई कितना ही गया होगा। तो भाई पहुंच चुके हैं हम लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर, जो कि भाई 200 साल पुराना है ऐसा वो जिसका एंट्रेंस है भाई, बिल्कुल लक्ष्मी नारायण मंदिर, स्थापना वर्ष 1888, 200 साल पुराना है और प्राचीन मंदिर है भाई लक्ष्मी नारायण जी का हर्षिल के अंदर। ये देखो भाई और ये भाई एप्पल ऑर्चर्ड है, जो कि भाई किसी को पता नहीं होगा कि हर्षिल किस लिए फेमस है। हर्षिल इसलिए फेमस है भाई, अपने एप्पल प्रोड्यूस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है भाई, मेन इसी के लिए फेमस है और अपनी खूबसूरती के लिए भाई। ब्रिटिश एक राजा आए थे यहाँ पे, उस टाइम पे उनको ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, तब वो यहीं रहने लग गए थे भाई, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एप्पल प्रोड्यूस किया था, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है।